नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर है वो है मॉल। मॉल के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करने से पहले आज बता दो, आप 27 नवंबर है और रात के 11:30 बज रहे हैं, मार्केट ऑफ है क्योंकि आज सैटरडे है। बट फ्राइडे वाले दिन एक तरफ जब निफ्टी गिरा था, दूसरी तरफ मॉल के अंदर मॉल के अंदर मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर जो अपर सर्किट चल रहा था, क्योंकि 2 वीक्स पहले मैंने इसमें कॉल दिया था तो मेरे फर्स्ट टारगेट नियर बाय है। बट अब जो मैं टारगेट देने जा रहा हूँ वो 10 दिन के अंदर सारे टारगेट हिट होंगे, जिस तरह से इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। चलिए समझते हैं मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा एनालाइज करके बताया कंपनी किस सेक्टर है, किस कंपनी में वर्क कर रही है, क्या कंपनी का वेंचर है, क्या कंपनी का पोटेंशियल है, क्या कंपनी का फ्यूचर है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं कंपनी की वेबसाइट है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करता हूँ क्योंकि मेन पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए, ये देखिए मैंने 2 वीक्स पहले ये देखिए मैंने कॉल दिया था मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर। देखिए मैंने 115 तक के टारगेट दिए हैं, ठीक है ना, देखिए 2 वीक्स पहले। तो ये पूरा मैंने वीडियो का ना एनालाइज कराया, कंपनी का वर्किंग क्या है, किस कंपनी क्या लेवल पर ट्रेड करी, ये सब चीज़ मैंने पूरा पर्टिकुलर बताया है कंपनी के बारे में। तो आप समझते हैं इसके अंदर और क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या वजह से मैं तेजी की, वो समझाता हूँ आपको मैं। तो देखिए पहले समझते कि फ्राइडे के दिन जो 26 नवंबर को निफ्टी यानी लगातार 3% गिर चुका था, यानी कि 500 पॉइंट के में गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड के अंदर तेजी मिली है, 20% का सर्किट मिला है। ये देखिए, ये मैंने गूगल पर बंद कर लिया मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड का। तो ये देखिए फ्राइडे वाले दिन ये 20% तेजी के साथ बंद हुआ है। क्या वजह थी 20% की, ये देखिए पहले समझते हैं। ये ओपन होता है 86 रुपये पे ओपन होता है, हाई मारता है 103 रुपये 20 पैसे का, लो मारा इन्हें 82 रुपये का, और इसका 52 हाई है इसका 150 रुपये का, और 52 लो है इसका 50 रुपये का। अब समझिए, मैं पहले भी बोला था कब जब भी अपना 100 रुपये के 3 डिजिट्स में आने को तैयार बैठा हुआ। 2 वीक्स पहले मैंने जब कॉल दिया था, जब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि जब इसका क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर पूरा अपडेट दिया था मैंने 2 के बारे में, तो इसमें मैंने बताया था ये 3 डिजिट्स के लिए तैयार बैठा हुआ है। और क्या वजह है इसके अंदर अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये देखिए इसका ओवरव्यू है, इसने एक ही दिन के अंदर हमें 20% रिटर्न दे चुका है, यानी कि काफ़ी दिन की गिरावट के बाद। देखिए 5 दिन के अंदर इन्हें कितने रिटर्न दिए, 14%। एक मंथ के अंदर इन्हें भी -6% 7% रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ के अंदर इन्हें 15% प्लस में दिए हैं, और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक ना 15%, यानी कि पूरे एक ही दिन के अंदर पूरा यानी 6 महीने ना कवर कर लिया एक ही बार में, ठीक है। अब देखिए मैं NSE की साइट पर ओपन कर लिया मेघमानी का, तो इसमें 49.11% 11% की डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे वाले दिन में, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है, 50% डिलीवरी उठाई गई है फ्राइडे वाले दिन, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब इसमें ना जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ को समझते क्या थी। देखिए न्यूज़ कुछ नहीं है, न्यूज़ थी इसके अंदर बल्क डील हुई थी, इसके अंदर एबाक्यूस पिक्स ने 27 लाख शेयर बाय करे थे मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड के, ठीक है ना। अब इसके अंदर वजह क्या थी, देखिए दो एबाक्यूस असिस्ट मैनेजर LLP बहुत, यानी कि उन्होंने 27 लाख शेयर बाय करे थे कितने रुपये पे, 82 रुपये पे, और वहीं दूसरी ओर DBS नॉमिस प्राइवेट लिमिटेड ने 46 लाख शेयर सेल करे थे 82 रुपये 12 पैसे पे। गिरावट की वजह क्या थी कि इन्होंने जो था यानी कि DBS ने इस शेयरों को ओपन मार्केट के अंदर सेल किया था, जिस वजह से गिरावट हो गई थी, क्योंकि बल्क ट्रेड पहले ही मार्केट ओपन होने से पहले जो 9 बजे से लेकर 9 बज के 15 मिनट में बल्क डील होती है, बट इन्होंने क्या करा था, ओपन मार्केट के अंदर डील करी थी। तो ओपन मार्केट के चलते हुए क्या हुआ था, शेयर एकदम तेज़ी से गिर गया था। गिरने के बाद क्या हुआ, जैसे ही देखा कि DBS ने इतने क्वान्टिटी में सेल शेयर कर दिए, तो वहीं अबाक्यूस एसिस मैनेजर ने वहीं इसके 27 लाख शेयर्स ने बाय कर लिया तुरंत, यानी कि देखिए एकदम से जब इसमें बाइंग हुई तेज़ी से, जब इसमें अपर सर्किट लग गया। तो अब देखिए इसमें NSE की साइट पे कंफर्मेशन कर लेते हैं कि बल्क डील हुई थी नहीं हुई थी। ये देखिए मैंने NSE का डेटा को ओपन कर लिया, तो ये देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड में अबाक्यूस असिस्ट मैनेजर LLP ने बाय करे हैं 27 लाख शेयर, वहीं DBS नॉमिस प्राइवेट लिमिटेड ने सेल करे हैं 46 लाख शेयर। तो इन्होंने बाय करे 82 रुपये पे इन्होंने सेल किए थे 82 रुपये 15 पैसे पे।
तो मेक बानी एबेक्यूस ने अच्छे लेवल पे बाय कर लिया। इसके अंदर देखेंगे आप के इसका जो उस दिन का लो था 82, वहीं से इसके बाद में अपर सर्किट हो गया तुरंत तेजी के बाद, क्योंकि गिरावट हुई। गिरावट की वजह थी इन्होंने 46 लाख शेयर बेचे थे, मगर अपर सर्किट की वजह थी इन्होंने 27 लाख शेयर बाय करे। तो वजह समझ आ चुकी है अब आपको। अब आपको इस शेयर के अंदर आपको होल्ड करना है, किसी के बहकावे मत आना, आपको शेयर एकदम सेल नहीं करना है, क्योंकि इसमें 82 का लेवल अब जल्दी से नहीं टूटेगा, क्योंकि 82 लेवल पे 27 लाख शेयर का सपोर्ट लग चुका है। तो अब चार्ट पे समझ लेते हैं हम लोग। तो मैंने पहले भी जो टारगेट थे, मेरे टारगेट वहीं को मैं बरकरार है, बस टारगेट एक बढ़ा रहा हूँ मैं। तो चौथा टारगेट है मेरा 120 रुपये का। देखिए पहला जो टारगेट, दो टारगेट थे मेरे, पहला टारगेट देखिए 105 का, दूसरा टारगेट 110 का, तीसरा टारगेट 115 का, तीसरा टारगेट, चौथा टारगेट मेरा अब आ गया 120 का। इन चार टारगेट का बाय करें, क्योंकि देखिए ये इस जो कैंडल यहाँ ब्रेक हुई है, यानी 8 नवंबर के बाद से, 8 नवंबर के बाद से इसमें 26 नवंबर यानी कि टोटल 12-13 दिन की पूरी जो गिरावट थी उसको एकदम से झटके में इन्हें कवर कर लिया। तो आप समझते हैं कितने बुलिश कैंडल ट्रेड हुई, कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई है। और MACD और RSI दोनों कितने अच्छे अप ट्रेंडिंग पर, RSI देखिए 50% से अबव चल रहा है और MACD भी अप ट्रेंडिंग की तरफ है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो चार्ट में भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन मिल चुका है और जो बल्टिल इसका भी सपोर्ट मिलेगा और देखने को मिलेगा कल के दिन में, या जब मंडे मार्केट ओपन होगा, मंडे मार्केट ही 110 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो मेरा जो चौथा टारगेट है 120 तक के लेवल का बाय करिए, 82 का स्टॉप लॉस रखिए। पहले भी मैंने 82 का स्टॉप लॉस बताया था, 80 रुपये का इस कैंडल का स्टॉप लॉस बताया था मैंने। तो 80 का जब भी मैंने स्टॉप लॉस बताया था, 80 को क्रॉस नहीं करा, 82 के बाद से फिर से सपोर्ट ली, क्योंकि 82 पे अच्छी गिरावट के बाद अच्छी सपोर्ट है इस चार्ट के अंदर। तो जिस लोगों ने जिन्होंने भी कॉल को जिस दो वीक पहले भी 80 रुपये के लेवल या 85 के लेवल पर बाय किया होगा, आज अच्छे अच्छी खासी कैपिटल ग्रो करी होगी उन लोगों ने, तो अभी भी पेशेंस साथ बाय करिए। 120 तक के लेवल इसके अंदर अच्छे खासे दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी इस कैंडल पर सपोर्ट लेके ये कैंडल ही 114-115 की, जब से ये कैंडल 115 तोड़ेगा तो इस कैंडल पर जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट है चार्ट के अंदर, चार्टों के अंदर सपोर्ट मिल रही है और काफ़ी दिन के हाइस को तोड़ रहा है। तो डेफिनेट्स में बाय करिए, पिछले से होल्ड रखिए, 82 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। पहला टारगेट 105 का, दूसरा टारगेट 110 का, तीसरा टारगेट 115, चौथा टारगेट 120 का, चार टारगेट बाय करिए, पिछले से होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।